पुलिस ने पीसी करके बताया कि उन्होंने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मुझे यूपी पुलिस की काबिलियत में पहले से कभी शक नहीं था, लेकिन मेरा ये मानना है पुलिस सरकार की होती है और जो सरकार कहती है पुलिस उस हिसाब से काम करती है। जल्दबाजी में कुछ पुलिस की तरफ से इस तरह के बयान दिए गए जो मैं समझता हूँ कि जिनकी ज़रूरत नहीं थी, बिना जानकारी के, बिना ब्लास्टिंग रिपोर्ट के कह देना कि गोली जो है वो 315 बोर के कट्टे से चली और हमने कट्टे बरामद कर लिए, या बिना बहुत सारी जानकारियाँ जो तथ्य जो हैं उसमें हैं कि चार नौजवान लड़के जिनको ये भी नहीं पता कि खाना किस तरह खाते हैं वो आके किसी पे गोली चला देंगे, और जिस तरह की पुलिस ने कहानी करके बताया कि भाई अचानक से टोल पर उनको पता लग गया कि चंद्रशेखर आ रहे हैं तो हम हमला कर देते हैं। हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था और उत्तर प्रदेश के सरकार के कार्य करने के तरीके और अपने राजनीतिक विरोधियों को निपटाने के तरीकों को भी हम लोग जानते हैं। किसी को CBI ED इनकम टैक्स से निपटा रहे हैं, किसी को मुकदमों से जेलों में ठूस के जबरन झूठे मुकदमे लगा के झूठे गवाह तैयार करके निपटा रहे हैं, और जो उनसे नहीं बचे हैं उनको गोली के जरिए जो है निपटाने काम कर रहे हैं। इसलिए मैं अभी जांच के कई तथ्य हैं और जांच लंबी चलने वाली, मुझे उम्मीद है कि पुलिस बिना किसी दबाव के निष्पक्ष जो है वो इन्वेस्टिगेशन करेगी और इसके पीछे कौन है, किसने किसके कहे पे, किसके इशारे पे, किसने पैसा दिया, हथियार कहाँ से आए, ऑटोमेटिक पिस्टल्स कहाँ से वो बरामद हुई, कौन कौन इसके पीछे है, कौन मॉनिटर कर रहा था, कौन जो है रेखी कर रहा था, इन सब की जाँच हो। इसलिए भी ज़रूरी है कि आज मेरे साथ है, कल किसी और के साथ ना हो, क्योंकि उत्तर प्रदेश में विपक्ष के लोग बड़ी मजबूती से जो है अपनी लड़ाई को लड़ रहे हैं, और ये तो उत्तर प्रदेश है, यहाँ तो चुनाव सजा होने के बाद पता लगता है कि DM साहब के दबाव में मुकदमे लिखा गया था, बाद में वादी मना कर देता, लेकिन तब तक बहुत कुछ बदल जाता तस्वीर। पुलिस की आज के खुलासे से आप संतुष्ट हैं या नहीं? मैंने कहा कि मैंने उनको पर्याप्त समय दिया कि वो अपनी कार्रवाई को, गिरफ्तारी की प्रक्रिया आगे बढ़ाए, तो गिरफ्तारी हुई है। मुझे नहीं लगता कि जिन्होंने इतना बड़ा हत्याकांड, नहीं तो पुलिस ने कहा ना, आपने सुना कि भाई वो हत्या करना चाहते थे, तो जो हत्या करना चाहता था उसके पीछे कोई बड़ा कारण हो, छोटा कारण नहीं हो, जिस तरह कारण को आप हवाला दे रहे हो। और मैं लोकतांत्रिक व्यवस्था में हूँ, संविधान को मानता हूँ, मैं जहाँ तक मैं मानता हूँ, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, आप सब लोग जानते हैं, मैंने किसी को बुरा ना कहा ना किया, मैंने प्रयास किया कि जिसके भी साथ खड़ा हो पाऊँ, जिसकी भी मदद कर पाऊँ, जिसके भी आंसू पहुँच पाऊँ, और ये मैंने सीखा अपने जो सीनियर लोग हैं उनसे, आजम भाई उनमें से एक शख्सियत है जिनसे मैंने सीखा किस तरह से लड़ाई लड़ी जाती है कमजोरों की। तो मैं मुझे लगता है कि अभी उनको जल्दबाजी ना करते हुए, माहौल शांत है, हम लोगों ने लोगों को शांत रखा है, हमने अपील की है, उस समय ईद का त्यौहार था, हमारे कंधों पर जिम्मेदारी थी, हमने लोगों से अपील की, लोगों ने हमारी बात को माना, तो वो जल्दबाजी ना करें, बिना ब्लास्टिंग रिपोर्ट के कह देना कि गोली कौन सी, हमें पता है गोली कौन सी, तो जल्दबाजी ना करें, सारे जो जितने भी जो तथ्य हैं, जितने भी जो दिशाएं, उन पर सब पे काम करें, क्योंकि जहाँ तक हम जानते हैं कि हो सकता है किसने पैसा दे के कराया हो, क्योंकि वो तो नौजवान बच्चे, उनको इतनी जानकारी नहीं है, उनको ये भी एहसास नहीं था कि ये करने के बाद क्या होगा, तो इसलिए इससे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था प्रदेश स्तर पे भी और देश स्तर पे भी। इसलिए मैं प्रयास करूँगा कि सरकार के दबाव में जल्दबाजी ना करें और जिम्मेदारी से जाँच को आगे बढ़ाएँ और सभी तथ्यों पर जाँच करें, और मुझे अभी भी पुलिस के कुछ अच्छे अधिकारी हैं, उनकी कार्यशैली भरोसा है कि वो सरकार के दबाव में काम नहीं करेंगे, और उम्मीद है कि फेर जांच होगी और ये पता लगेगा इसके पीछे कौन है। कल की जो आप लोगों की घोषित पंचायत है उसके बारे में अभी मैंने लीडर्स को बुलाया सब लोगों को, और मैं चाहता हूं कि पुलिस को पर्याप्त समय मिले जिससे कि आसानी से वो अपने कार्य को आगे बढ़ा पाए, ये ना हो कि हम इसमें फंसे रहे इसलिए हमने कार्रवाई को में ढिलाई बरत दी, तो आज शाम तक उसकी स्थिति 6 बजे 6:30 बजे क्लियर हो जाएगी, और मेरा प्रयास रहेगा कि मैं उनको समझाने में कामयाब हो जाऊँ कि क्योंकि कावड़ का समय आ रहा है और मोह अच्छा नहीं है, नुकसान हो सकता है, मैं कोशिश करूंगा कि किसी भी तरह का जुटान ना। देखिए, जब आप पे हमला हुआ तो आपने ये कहा था कि हमारे सहयोगियों ने, साथियों ने उन लोगों को पहचान लिया था, तो जिस प्रकार उनके आज आपने देखा प्रेस वार्ता हुई, तो क्या लगता है वही व्यक्ति थे? नहीं दिखाए, नहीं आपने देखा, क्या दिखाए, आपने देखा हो तो मीडिया के लोगों ने बताओ, फोटो भी वायरल हो चुके हैं, आपने देखा हो? नहीं, पुलिस की कार्यशैली थी, फोटो किसी का दिखाते हैं, जाता कोई है, हथियार कोई होता है, लगाया कोई जाता है, पकड़ते कहीं से है, दिखाते कहीं से है, तो इतने कम समय में कट्टे से तो फायर नहीं हो सकते लगातार, और फायर 6-7 हुई हैं, 3 नहीं हुई है, तो मैं कह रहा हूँ ना अभी जांच कर लें, जल्दबाजी ना करें, मैं समझता हूँ उनके कंधों पर जिम्मेदारी, उनको सरकार को जवाब देना है, लेकिन सरकार भी ध्यान रखे कि इस तरह का माहौल ना बनाए कि लोगों में भय का, आप कानून व्यवस्था तो अच्छी कर नहीं पा रहे,
इस तरह की बेवकूफी की बातें करने से कोई फायदा नहीं। मुझे उम्मीद है कि पुलिस जांच के इसको सही ओर ले जाएगी और जांच को भटकाने काम नहीं करेगी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।